गुड मॉर्निंग प्लस वन बच्चों, दिस इज़ आवर फोर्थ लेक्चर ऑफ चैप्टर नंबर 12th, इंट्रोडक्शन टू थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। इससे लास्ट लेक्चर में मैंने एक्सरसाइज 12.1 एंड 12.2 डिस्कस की थी, क्योंकि काफ़ी सिंपल एक्सरसाइज थी इसलिए हमने दो एक्सरसाइज डिस्कस कर ली थी। और आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 12.3 एंड मिसलिनियस एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ ओपन योर एनसीईआरटी बुक्स, ये काफ़ी सिंपल है। फर्स्ट सम में फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट विच डिवाइड्स द सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस इन द रेशियो 2:3 इंटरनली। फिर उसके बाद है सेकंड पार्ट एक्सटर्नली। तो ये हमने एग्जांपल नंबर 7th जो डिस्कस की थी उसमें हमने ये सम कर लिया था इस टाइप का। तो आप उसको कर सकते हो सेम वैसे ही जैसे हमने एग्जाम्पल नंबर 7th की थी। अब जो सेकेंड सम है इसमें क्या आपको थ्री पॉइंट्स गिवन है, तो हमने ये बताना कि जो क्यू पॉइंट पी आर को किस रेशियो में डिवाइड करते हैं। तो हमने सपोज़ किया इसको K:1 के रेशियो में डिवाइड करते हैं। तो आपने सेक्शन फार्मूला लगाया इस पर, ठीक है। तो जो क्यू पॉइंट का फर्स्ट कोऑर्डिनेट 5 है आपके पास, तो हमारा भी फर्स्ट जो है K की टर्म्स वाला 5 है। तो यहाँ से आपने K की वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है। तो इसका मतलब जो पॉजिटिव आया K आपके पास 1/2, तो इट मीन्स 1:2 के रेशियो में इसको डिवाइड कर रहे हैं। अब एग्जाम्पल जो थर्ड सम है वो एग्ज़ाम्पल नंबर 10th जैसा ही है सेम। फोर्थ सम में एग्जाम्पल नंबर 8th जैसा ही है, ठीक है। फिफ्थ सम में अपने पॉइंट्स को लीनियर शो करने हैं, सॉरी फिफ्थ सम में आपने बताना है कि एक जो आर पॉइंट है पी क्यू सेगमेंट को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको आप सेक्शन फार्मूला लगा के इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है मिसलिनियस एक्सरसाइज। इसका जो फर्स्ट सम है ये फिर से पैरेललोग्राम शो कर रहे हैं फर्स्ट सम, तो इसका फोर्थ वर्टेक्स निकालना है आपको। तो ये मैंने आपको पहले भी करवाया था, जब भी पैरेललोग्राम का सम होगा आपके पास आपने दोनों डायगोनल्स के मिड पॉइंट निकाल लेने हैं और उनको इक्वेट कर देना, जैसे मैंने निकाले हुए हैं, और इनको इक्वेट करके एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ आपके पास आ जाएंगी। सेकेंड सम में आपने एक ट्रायंगल के वर्टिसेस गिवन है ए बी एंड सी, आपको उसकी जो मीडियंस है उनकी साइड उनकी लेंथ्स आपने फाइंड आउट करनी है। तो मैंने क्या किया, पहले डी पॉइंट का जैसे मिड पॉइंट निकाला, जैसे ये तो मैंने निकाल के दिखाया आपको 0+6/2 ऐसे करके, तो ये 3:0 आ जाएगा। इसी तरह से आपने ई पॉइंट निकालना है और एफ फाइंड आउट करना है। बस उसके बाद जब पॉइंट्स आपको पता चल जाएंगे इसके बाद आप मीडियंस की लेंथ निकाल लेना बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला ए डी बी ई एंड सी एफ। थर्ड सम में आपको सेंट्रोइड गिवन है ओरिजन और तीन वर्टिसेस गिवन है। सेंट्रोइड का फार्मूला लगाएं आप, क्या बताया था मैंने, x1+x2+x3/3 जो कि मैंने फर्स्ट पार्ट मैंने कर दिया ऐसे, फिर सेकेंड एंड थर्ड करना आपने ऐसे ही, और इसको इक्वेट करना है आपने ओरिजिन के इक्वल रखना है ऐसे 0 के इक्वल। तो यहाँ से आपके पास जैसे फर्स्ट कोऑर्डिनेट भी 0 के इक्वल हो जाएगा, सेकेंड भी 0 के इक्वल हो जाएगा और थर्ड भी 0 के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से आपके पास ए बी एंड सी की जो वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है, ए बी और सी की वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो ये काफ़ी सिंपल सम है। फोर्थ सम में फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ऑन वाई एक्सिस हुज डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट पी, इस पॉइंट से पी -3:2 से कितना होगा 5√2। तो जो वाई एक्सिस पर पॉइंट होगा 0/0 होगा, वो ले लिया मैंने और डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया सिंपली, बस हो गया। फिफ्थ सम में आपने क्या करना, एक पॉइंट गिवन आपको आर, उसका एक्स कोऑर्डिनेट 4 गिवन आपको, और वो पी क्यू सेगमेंट को कहता है किस रेशियो में डिवाइड करेगा, ठीक है। तो हमने सपोज किया वो K:1 के रेशियो में डिवाइड करा है, तो इसका सेक्शन फार्मूला लगा के आपने आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए, और जो इसका एक्स कोऑर्डिनेट है वो आपको 4 गिवन है, तो यहाँ से आपको K की वैल्यू मिल जाएगी। जब K की वैल्यू पता चल जाएगी आपको तो आपने इसमें पुट कर देनी है, ठीक है, इसमें तो आपके पास R के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। जो लास्ट समय ये काफ़ी सिंपल है, आपको A एंड B पॉइंट्स गिवन है, ठीक है, और फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स P सच दैट PA² + PB² = K², ये तो सारा इसमें आप वैल्यूज पुट करेंगे, डिस्टेंस फार्मूले का स्क्वेयर ही करा हुआ है पहले ही ऑलरेडी, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास जो है इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट्स पी आ जाएगा सच दैट PA² + PB² = K². तो इस तरह से ये चैप्टर हमने फिनिश कर लिया सारा। तो ये काफ़ी सिंपल चैप्टर था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम जो न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके हम इसमें बेसिक्स करेंगे और प्लस टू में इसको डिटेल में करेंगे, ठीक है। तो एक बार फिर से आप इसको रिवाइज कर लेना इस चैप्टर को, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे से पूछ सकते हैं। Thank you very much.